नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड तूफान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वरुण धवन की आने वाली फिल्म कलंक के डे वन के प्रेडिक्शन के बारे में और पंजाबी फिल्म मंजे बिस्ट्री टू के कलेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल बॉलीवुड तूफान को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कलंक जो कि 17 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये वरुण धवन की अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से रहने वाली है। दोस्तों इस फिल्म का जो स्टार कास्ट है इसमें हमें चॉकलेटी बॉय वरुण धवन के साथ आलिया भट्ट चौथी बार एक साथ हमें दिखाई देंगे। काफ़ी समय के बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित हमें बहुत बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। दर्शकों का क्रेज इस फिल्म के लिए और भी बहुत सारा बढ़ गया है दोस्तों। और इस फिल्म में हमें सोनाक्षी सिन्हा के साथ आदित्य रॉय कपूर भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है धर्मा प्रोडक्शन ने यानी कि करण जौहर ने। दोस्तों कलंक फिल्म का जो बजट बताया जा रहा है वो 75 करोड़ बताया जा रहा है और इस फिल्म का जो सॉन्ग दर्शकों को बहुत ही पसंद आ रहा है और इस फिल्म में दो आइटम सॉन्ग है, एक कृति सनन है और दूसरे सॉन्ग में ग्यारह आडवाणी है जो कि दर्शकों को बहुत ही पसंद आ रहा है। दोस्तों ये एक लंबी फिल्म रहने वाली है यानी कि इस फिल्म का जो रन टाइम है वो 166 मिनट का है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिषेक वर्मन ने जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट किया लगता है। दोस्तों आपको बता दूँ कि इस फिल्म का जो बज है वो दर्शकों के बीच और भी बढ़ता जा रहा है। सॉन्ग और इस फिल्म का ट्रेलर तबाही मचा रहा है यूट्यूब और हर जगह पर, दर्शकों को बहुत ही पसंद आ रहा है। वरुण धवन के फैन और आलिया भट्ट के फैन इस फिल्म के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट रखते हैं जो कि इस फिल्म का जो डे वन का प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ। दोस्तों अगर जो इस फिल्म का रिव्यू बढ़िया आया तो ये फिल्म अपने पहले दिन इंडिया से 17 करोड़ से भी ज़्यादा बिजनेस कर सकती है और इस फिल्म का लाइफ टाइम जो इंडिया का रहेगा वो 150 करोड़ से भी ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कलंक फिल्म अपने पहले दिन कितना करोड़ कमा सकती है? तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पंजाबी फिल्म मंजे बिस्ट्री डे टू के कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस फिल्म का जो बजट है वो 11 करोड़ है और ये एक पंजाबी फिल्म है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी है। तो इस फिल्म ने पहले दिन इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन किया है 3 करोड़ का, दूसरे दिन 3 करोड़ 6 लाख और चौथे दिन यानी कि आज का जो कलेक्शन आ रहा है दोस्तों 4 करोड़ 20 लाख आ रहा है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन होता है इंडिया से 12 करोड़ का और इस फिल्म का इंडिया का ओवरसीज का कलेक्शन जो आ रहा है दोस्तों 6 करोड़ आ रहा है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन होता है वर्ल्ड वाइडली 18 करोड़ जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों ये दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म का ज़्यादा इंतजार है और कौन सी फिल्म पसंद आई? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों।